नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों आज है 15 फरवरी, तो 15 फरवरी से रिलेटेड 10 टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये 11 फरवरी को मनाया गया। दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन है, 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो इसका आयोजन है दोस्तों वो इथोपिया में किया गया। नेक्स्ट आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो ये काम्या कार्तिकेयन ने। दोस्तों ये एक इंडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये आदित्य मेहता मेल में जीता है और फीमेल में विद्या पिल्लई। तो दोस्तों दोनों याद रखना आप लोगों को। पाँचवा क्वेश्चन आज का है, विशाल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वडोदरा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां आज का, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान NIFM का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये अरुण जेटली के नाम पे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सातवां क्वेश्चन दोस्तों है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी गई? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रख्यात हिंदी उपन्यासकार का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? गिरिराज किशोर। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की? तो हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को चालू किया। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन और दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को घोषणा कर दी गई? तो दोस्तों केरल सरकार ने दोस्तों CFL और फिलामेंट वाले बल्ब पर पूरी तरीका से प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।